4 फरवरी 2024 धरने का 350वां दिन। और ये देखिए जंतर मंतर का दृश्य, हल्की हल्की बारिश हो रही है और हमारे साथ हैं नायब सूबेदार रमेश चंद। सर नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ सर, बताइए कुछ धरने के बारे में। सर विजय सर, पहले सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ कि आप हमारे धरने पर यहाँ पर पधारे हुए हैं। और मैं सिर्फ जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज सबसे पहले जो भी सैनिक हैं वो आरएसपुरा जम्मू में मीटिंग के लिए भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। दूसरा, मैं सभी पूर्व सैनिकों को यहाँ से आरएसपुरा में संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बोला है कि हमने जो है एक लाख करोड़ जो है ओआरओपी का दे दिया है। लेकिन उससे पहले जो दिया है वो हमने सुना था कि सबसे पहले 28,000 करोड़ दे दिया है, उसके बाद 65,000 करोड़ भी हमें मिला, उसके बाद 70,000 करोड़ प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को तिरंगे के नीचे सैनिकों को दे दिया। और राजस्थान की रैली में जो है हम लोगों को सरकार ने 90,000 करोड़ दे दिया, जिसका ऐलान जो है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। इससे बढ़कर हमारे लिए क्या खुशी की बात होगी। देखिए विजय जी, मैं कितना बड़ा थैला लेकर आज आया हूँ कि हो सकता है कि 1,00,000 करोड़ से जो है मुझे भी कुछ मिल जाए। आज आरएसपुरा में उसी पैसे का आह्वान हो रहा है, बंटवारा होगा पैसों का। और मैं सभी सैनिकों से गुजारा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचें और उससे हौसला अफजाई करें हमारी राष्ट्रपति जी का, प्रधानमंत्री जी का। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ कि जो हमारे साथ सरकार ने किया है। आज आरएसपुरा में बहुत बड़ी रैली है, तकरीबन 15-20 हज़ार से ज़्यादा सैनिक वहाँ पर आ रहे हैं, 200 संगठन से ऊपर वहाँ पर हैं, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर राजस्थान तक के सैनिक जो है वहाँ पर भूतपूर्व सैनिक पधार रहे हैं। हमने आज भी हमारा ये धरना चलाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर लगा है। हमने तो सरकार से पैसा मांगा ही नहीं है विजय सर, पैसा तो हम मांग ही नहीं रहे सरकार से। हम तो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि उच्च न्यायालय उत्तम न्यायाधीश से कमेटी बनाई जाए और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से उनके संबंध में शर्तें हैं हमारी मांगों के साथ, तथा 3 जनों की कमेटी बना दी जाए जो कि हमारा दूध का दूध पानी कर देगी। इतना दिया है कि हमारा वो पैसा है कहाँ। हम तो पैसा नहीं मांग रहे, हम सिर्फ न्याय के लिए एक ही आवाज़ उठाई है। हमने 3 जजों की कमेटी बना दें जो कि रिटायर्ड जज हैं, और उनके हवाले हमारा कि जाए वो 3 महीने के अंदर हमारी जो संगतियाँ दूर करके हमको बता देगी, तो हम यहाँ से धरना भी उठा करके अपने घर चले जाएंगे। हम क्यों मांगेंगे पैसा? पैसा मत दो हमें सिर्फ न्याय चाहिए, मान सम्मान चाहिए।